प्रिय दोस्तों नमस्कार, शुभ आशीर्वाद। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस सदा प्यार के साथ आप लोग मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा भी पूरा प्रयास है कि अपने छोटे छोटे प्रोग्राम के माध्यम से आपको अधिक से अधिक कुंडली का ज्ञान प्राप्त कराऊं। अगर आप लोग इसी तरीके से मेरे प्रोग्राम को देखते रहेंगे तो खुद कुंडली देखने के ज्ञाता हो जाएंगे। आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसको सुनिए। नवंबर 2021 प्रत्येक राशियों के लिए क्या कैसा है, कैसा रहेगा, क्या हानि रहेगा, क्या लाभ रहेगा, इसको आप सुनिए। जिस मित्र का मेष राशि है उसके लिए नवंबर अच्छा नहीं है, मानसिक तनाव देगा, भाग दौड़ अधिक कराएगा, बनते काम में रुकावट आएगा। जिसका वृषभ राशि है उसके आर्थिक परेशानी देगा, सामाजिक धन की हानि कराएगा, मित्रों से विवाद कराएगा और बनते काम में रुकावट जाएगा। मिथुन राशि वालों के केस मुकदमा में विजय दिलाएगा, माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार लाएगा, उलझनों का समाधान होगा। कर्क राशि वालों के लिए रोजगार का साधन बनाएगा, स्वास्थ्य लाभ कराएगा, यात्रा योग बनाएगा। सिंह राशि वालों के लिए नवंबर 2021 शुभ है, रोजगार के साधन मिलेंगे, शिक्षा में सफलता देगा, नौकरी के साधन बनेंगे, अक्षमातिक धन लाभ होगा, रुके धन की प्राप्ति होगी। कन्या राशि वालों के लिए शत्रुओं से भय होगा, केस मुकदमा में उलझन आएगा, अपने लोगों से विवाद होगा, स्वास्थ्य में गड़बड़ी। तुला राशि वालों के लिए शादी का योग बनाएगा, पारिवारिक विवाद सुलझेगा, रुके धन की प्राप्ति कराएगा, मानसिक शांति देगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए बने कार्य में रुकावट, आर्थिक परेशानी, नौकरी में उलझन, नया रोजगार में रुकावट, मानसिक तनाव। धनु राशि वालों के नवंबर अच्छा नहीं है, इनकी धन की हानि कराएगा, अधिकारियों से विवाद कराएगा, राजनीति में असफल करेगा, व्यापार में घाटा देगा। मकर राशि वालों के लिए भी अच्छा नहीं है, नए व्यापार में उलझन, पदोन्नति में रुकावट, प्राप्त धन खर्च करवा देना और मानसिक तनाव देना। कुंभ राशि यात्रा योग बनाएगा, विदेश का योग बनेगा, पारिवारिक सुख देगा, संतान की उन्नति। मीन राशि वालों के लिए निर्माण कार्य होंगे, जमीन जायदाद संबंधी केस मुकदमा में विजय प्राप्त होगा, संतान की उन्नति होगी, शिक्षा में उन्नति होगी, शादी विवाह का योग बनाएगा, मानसिक शांति देगा। ये छोटा सा वीडियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर 9425308222। किसी बंधु को अपनी कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना है
तो मेरे फोन पर संपर्क करिए, उसके लिए थोड़ा शुल्क देना होगा, शुल्क देंगे तो मैं विवेचन कर दूंगा। इतना कहते हुए आपसे आज्ञा ले रहा हूँ, नमस्कार।